रमेश भाई हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त कहाँ और किसके साथ बैठे हैं। महेश भाई एवरग्रीन आपको नज़र आ रहे होंगे, और सर जी के बारे में जो है महेश भाई खुद इंट्रोडक्शन दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है मैं कोई मेरे कहने से कोई कमी रह जाए, या शायद मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना दूँ दे सकूँ। तो ओवर टू महेश भाई। इंट्रोडक्शन उस बंदे का किया जाता है जो किसी मतलब इंट्रोडक्शन का मोहताज भी हो। मैं आपको बता चलूं कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सेठ गंगाराम। गंगाराम इस वक्त जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो है कंस्ट्रक्शन की लाइन का। सबसे पहले जो बिज़नेस वो हम और गंगाराम मिलके करते थे ना, वो था चावल का। चावल उस टाइम हमने शुरू किया था जब चावल की कीमत थी 11 रुपये। अभी इस वक्त चावल की कीमत है तकरीबन 160 रुपये किलो। 11 रुपये केजी। हाँ, 11 रुपये केजी। अभी ये 160 रुपीस के जी। और इस वजह से अभी जो ना गंगाराम मना, वो आज के नहीं बचपन के मेरे दोस्त थे, तो वो अभी आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन भी ज़्यादा करा सकते हैं कि वो लाइन छोड़ के इस लाइन में कैसे आ गए, वो बताएंगे। सर सचो सतराम। सुनो कवा राम सर, सुनो। तारीफ तो उस जात की है जो किसी का मोहताज नहीं है। बाकी भाई की मेहरबानी है जो इतनी बड़ी तारीफ़ के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया। बाकी तो इस चीज़ के लायक नहीं है। बस शुरू में आए थे कमाने के लिए, अभी भी कमा रहे हैं, आखिर तक कमाते रहेंगे, और भाई के साथ ही हैं शुरू से। पर गंगाराम जो है ना, वो अभी भी कम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा पता नहीं क्यों। मैं आपको पता चलो, ये ऐसे कामयाब बिजनेसमैन है कि इन्होंने जब बिज़नेस शुरू किया था ना, उस वक्त ये बिल्कुल ज़ीरो वाली पोजीशन पे थे, पर मालिक ने इनकी मेहनत में भी वो आज़मत डाली कि आज वो अपने मुकाम, जो मुकाम चाहिए होता है ना बंदे को, वो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। फिलहाल तारीफ जो लायक है वो उसकी करनी चाहिए, इस वजह से कह रहे हैं। ये अभी सर जी से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो सर जी, पहले तो ये बताएं कि आपका बेसिकली तो यहाँ कराची में रहते हैं, लेकिन कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस गाँव से, किस शहर से? हमारा ताल्लुक बागड़ जी से है, सखर के करीब है बागड़ जी। वहाँ से स्टार्टिंग की थी हमने सुपर स्टोर से, फिर राइस का बिज़नेस स्टार्ट किया था। अभी बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और ये जो शख्स बैठे हैं, ये जो इंसान बैठे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनके साथ आपकी दोस्ती को काफ़ी मतलब कितना तकरीबन मजबे हो गया होगा टाइम? तकरीबन हमारी दोस्ती 77 की मेरी पैदाइश है, और अभी आप 85 से ले लो समझो, 85 से ये मेरा दोस्त है। अच्छा, आप दोनों में छोटा कौन है? छोटे सर। छोटे सर हैं, लेकिन आप छोटे क्यों लग रहे हैं सर? अच्छा सर, और क्या नाम है, ये बताएं कि एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए या बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या मतलब आप कुछ एडवाइस देना चाहें, कुछ बताना चाहें हमारे को भी ज़रूर। महेश भाई तो माशाल्लाह इन्होंने भी किया है बिज़नेस, और काफ़ी अच्छा इनका भी एक्सपीरियंस रहा है। सच्चाई, अच्छा बिज़नेस करने के लिए पहले तो आप किसी के साथ झूठ नहीं बोलो, बिल्कुल। दूसरा ये कि किसी के साथ चीटिंग नहीं करो। कम ज़्यादा तो आपको मिलता रहता है, मगर नेक नीति से आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल, और बहुत अच्छा मिलेगा। खुद को सुकून भी आता है, सबसे ज़्यादा चाहिए सुकून। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, सुकून भी चाहिए उसके साथ साथ, तो नेक नीति लाजमी है, बिल्कुल हकीकत। अच्छा सर, ये बताएं कि थोड़ा सा ये सॉन्ग्स वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते होंगे ज़रूर, अभी नहीं तो पहले तो ज़रूर देखते होंगे, अब तो ज़ाहिर बिजी लाइफ है ज़्यादा, तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं बूढ़े था ना, मैं भी करीब ही हूँ आपके, इतना मैं भी दूर नहीं हूँ, मेरी एज भी तकरीबन नहीं। सॉन्ग्स भी सुनते हैं, फिल्में भी अभी भी देखते हैं, बच्चों के टाइम के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। बिज़नेस तो अपनी जगह पर है ही है, उसको भी टाइम देना लाजमी है। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके, ये भी तो बता दें। माशाल्लाह दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और छोटे को हमने इस वक्त बेचारा कैमरा पे है, लेकिन अगर वो अभी कैमरा भी उनका बेटा ही पकड़ के बैठा हुआ है, उनको भी जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे। और टिकटॉकर
बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, तो उनको फॉलो भी कीजिएगा। जब उनसे हम बात करेंगे तो उनकी आईडी भी मेंशन कर देंगे, तो जितना हो सके आप उनको फॉलो कीजिएगा, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और बाकी ये कि महेश भी आपको इस क्वेश्चन वगैरह पूछे मैं तो क्वेश्चन उससे पूछते हैं जिससे पूछने की ज़रूरत पड़ती है, जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं नहीं, वो बाद में आपको बताएंगे, बस अभी आए इनके घर पे थोड़ो जो सिंधी स्टाइल थी वन असल में असा मां ताई बुधाइंदो हला त असा आए वान इन जे घर में असल में घर इन जो इन करे त इन घर आ रूफ टेरेस वारो पेंट हाउस जेके चवंदा हूं असा उते वे के असा नंढी गैदरिंग जो प्रोग्राम कयो संडे जे करे भी कयो से इन असो ओबे भी कई इन चो बस उत वेही कर असा नंढड़ो एकड़ो प्रोग्राम वो न रोटी जो प्रोग्राम ठाओ जो रोटी से गजी कर वेही खाईंदा अजा खाधी न वो आए पुलाव सिंधी पुलाव वो खाऊँ था गजी थोड़ी देर का खाधो न खाधो तो घो कुछ हाँ वो बुधा ना सकूँ बस वही तो चवंता खाधो न खाधो बाद में बुधाईदोस। तो भाई ये जो है बेसिकल सिंधी में जैसे महेश भाई ने कहा तो सर जी कि हम घर पे यहाँ आए हुए हैं और पेंट हाउस है जैसे कि इनका, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी ठंडी ठंडी ज़बरदस्त हवा चल रही है और फील यही हो रहा है कि शहर में और कोई नहीं रहता, शायद हम जो है चार लोग इस वक्त जो मौजूद हैं हम ही रहते हैं, क्योंकि इतना मतलब खामोशी भी है, लेकिन ये खामोशी वो है जो अच्छी लग रही है। एक होती है खामोशी कि इंसान को चुभती है या वो खौफ आता है, लेकिन ये ऐसी खामोशी कि मज़ा आ रहा है। और जून का महीना महेश भाई चल रहा है, लेकिन इस हवा से क्या किस तरह का एहसास आ रहा है? सर सितंबर दिसंबर सितंबर में सही है ना, क्योंकि मौसम सही हो जाता है सितंबर नवंबर नहीं सितंबर तो सितंबर में मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो वो चल रहा है। बाकी कराची में तो अभी इस वक्त ऐसा पोजिशन हो गई है कि लोड शेडिंग हर दो घंटे के बाद एक घंटा जा रही है, तो इस वजह से ये बाहर का माहौल अलग मज़ा भी दे रहा है एक। और सर बता रहे थे जैसे हम बैठे थे तो कह रहे थे इंडिया भी ट्रैवल कर चुके हैं, महेश भाई के बारे में मैंने आज तक हमने वैसे नहीं बताया ना आपके बारे में कि आप भी इंडिया गए हो। 11 दफा हाँ। होके आए हूं कभी जो है 11 क्यों 12 क्यों नहीं किया आपने या 10 कर लेते नहीं, नहीं, ना, 11 दफा होके अच्छा तो पूरा 2007 पूरा हिसाब रखा हुआ है 11 पक्की बात है 11 दफा खर्चा करके गए तो सर भी महेश भाई सर एक वीडियो का भी बनाएंगे इनके इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ कहाँ कहाँ गए उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाए, लेकिन सर से पूछते हैं भी इंडिया विजिट कर चुके हैं कहाँ कहाँ गए थे सर थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर इंडिया में ससुराल रहते हैं मेरे दिल्ली में, दिल्ली अहमदाबाद कोटा बूंदी और हरिद्वार वगैरह घूम के आया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो बस यही था। और दिल्ली में कौन सा एरिया बताना चाहेंगे? दिल्ली में अभी तो वो वहाँ से चेंज करके गए हैं तो अभी कहाँ रहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ जो दिल्ली से देखने वाले तो उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा फलाना एरिया, जैसे हम किसी भी एरिया का नाम लेते हैं तो कोई अपना तो अशोक विहार इलाका था। हाँ अशोक विहार अच्छा अशोक विहार अशोक विहार तो महेश भाई बता रहे अशोक विहार। बाकी ये कि हम बैठे हुए ऐसी गपशप थोड़ी सी और भी इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और, ताकि और टिकटॉकर से भी आपको मिलाएंगे, रोहन से छोटे से मिलाएंगे और इस तरह थोड़े बहुत कोशिश करते हैं और कोई चीज़ भी दिखाते हैं आपको, बात करते हैं। हाँ दादा जो आइए पहले अभी हम आपको उस शख्स से मिलाते हैं जो मैं इसको कह भी कुछ नहीं सकता, ये है हमारा टिकटॉकर, ये सेठ हमारे गंगाराम का बेटा है रोहन कुमार मांधवानी। रोहन कुमार अभी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएं कि टिकटॉक क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। पहले नाम हम सब नाम आप पहले मेरा नाम रोहन है और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और टिकटॉक मुझे इससे ऐसा लगता है कि इंजॉयमेंट होती है और कभी कभी पापा की मोबाइल चोरी कर लेता हूँ। चोरी? हाँ चोरी करके मतलब भेज देते हैं ना या रखते हैं अपने पास? नहीं रख लेता हूँ। क्यों? फिर टिकटॉक बनाता हूँ फिर पापा आपको अपनी मोबाइल नहीं लेके दे रहे? नहीं। अभी अभी कैमरा ऑन है और सब देख रहे हैं, आप अभी पापा से डिमांड कर सकते हो। पापा से डिमांड कर देते पापा क्या कहते हैं?
नहीं अभी कुछ नहीं कहेंगे। असल में पापा का बहुत लाडला भी है और लेकिन सही टाइम पे मोबाइल मिलेगा, नाइस पर्सन है। और दूसरा ये कि अभी जो स्कूल बंद है तो आपके एक टॉपिक क्या है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं 10 to 11, फिर ऐसे होती रहती हैं, फिर ब्रेक मिलता रहता है, तो फिर उसके वजह से कैसा लग रहा है कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, काफी अच्छा बहुत बोरिंग लग रहा है जी। हमें तो अच्छा लगता है, हम दुआ करते हैं ऐसा कोई टाइम आए कि स्कूल बंद हो जाए। तो वैसे कितना टाइम हो गया स्कूल बंद की हुए? आइडिया नहीं है। मार्च से बंद है ना, मार्च अप्रैल मई जून बंद वाला था, ये तो पूछो ना बंद क्यों है। करोना वायरस की वजह से कि हो रहा है तो किस किस को हो सकता है। अच्छा। किसको बुखार खांसी या कुछ भी हो सकता है। तो महेश भाई सब चीज़ें खुल गई हैं स्कूल में, करोना ने घर बना लिया। असल में ये बच्चे देख रहे हैं, बच्चे तो आपको पता है फरिश्ते ही होते हैं और फरिश्ते अपना ख्याल थोड़ी करते हैं, फरिश्तों का तो कोई और ख्याल करता है ना। तो इस वजह से हमने इनको घर में सेव करके रख दिया। और पापा को कुछ कहना चाहेंगे कैमरा? पापा को डिमांड करो ना अपनी। अभी फादर्स डे भी आया था ना कुछ दिन पहले, तो फादर के लिए कुछ किया आपने? मैं एक कार्ड बनाया था, फिर तो पापा को विश किया था, ऐसे केक खिलाया था पापा को, या उन्होंने खिलाया था आपको? मैं केक ही नहीं खिलाया था। बर्थडे मनाते हैं आप? हाँ। कब आता है बर्थडे आपका? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल, तो अप्रैल तो गुजर गया, आपने बताया नहीं। बर्थडे हो गई? हो गई। कहाँ पे मनाई थी आपने? घर पे मनाई थी भाई। 27 अप्रैल इनका जन्मदिन है और इनकी एक आईडी बनी हुई है, वो आईडी इनके नाम से रोहन मांधवानी के नाम। थोड़ा सा आप खड़े हो जाओ, आपके जरा जो ड्रेस तो दिखाएं। हाँ, पूरा गेटअप इनको दिखाएं, गेटअप। वो लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे नहीं कुर्ता, वो ये पठानी सूट नहीं है, ये प्योर इंडियन सूट है ये। रोहन से कहूँगा कि पापा से मोबाइल अपनी पर्सनल मांगे तो ज़्यादा बेहतर है, पापा लेके दे या नहीं दे, एक दफ़ा आप मेरे सामने कहें पापा को भी, प्लीज़ पापा प्लीज़ मोबाइल रख दीजिए। असल में ये क्या पापा प्लीज़ वठी जाओ, अभी पापा के सुनते क्या कह रहे हैं पापा। पापा तो के मोबाइल तो वठी दो फर्स्ट टच, उन खां पो मोटरसाइकिल कार जेका तो शे चई घुरदे वा मिलंदी। नहीं अच्छी बात है, पर मोबाइल न मिलंदी। स्कूटी लेके दे बस, अभी मोबाइल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, स्कूटी मांग रहे। अच्छा कोई सॉन्ग कोई पोयम कोई चीज तो सुनाओ, टिकटॉकर हो ना, पता कैसे चले? कुछ तो करो। नहीं, कुछ तो करो, हमने तो बोल दिया आप टिकटॉकर हो, कैसे पता चले लोगों को? एक एक चीज तो बताओ, पोयम बताओ, पोयम कुछ तो। नायराज ये ना करना यार, मैंने कुछ बताया। नायराज चलो भाई, थोड़ा रोहन साहब अभी शर्मा रहे, थोड़ा फिर एक बार आएंगे ना, वो कहते ना उजाले में आएंगे, अभी है अंधेरा, थोड़ा उजाले में आएंगे तो इनकी अच्छी सी एक टिकटॉक भी सुनेंगे। छोटे की स्पेशली उनकी जो बातचीत सुन के आपको मज़ा आया होगा ज़रूर, और इनको जो टिकटॉक पे ज़रूर याद से भाई अपने फॉलो करना है, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके जो है लिंक भी दे दूंगा टिकटॉक का, तो आपने इनको ज़रूर जो है वो करना है, फॉलो करना है। बाकी है कि कोशिश करते रहेंगे इस तरह की जो है वीडियोज़ लाते रहेंगे हम, कि एक सिंपल हमारी वीडियोस आपने हमेशा देखा है, हमारी कोई हाई फाई कोई इतने जो एडिटिंग या और दूसरी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ऐसा कंटेंट होता है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जो आप मतलब ऐसा कंटेंट होता है जो आपके देख के यही आपको अपने फ्रेंड्स अपने जो है फैमिली मेम्बर्स अपने जो रिलेटिव वगैरह उन्हीं को मतलब आप याद कर सकते हैं या उन्हीं को रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो इसी तरह हमारा हमेशा होता है, और महेश भाई जो है हमेशा एवरग्रीन हमारे, और जिस तरह आप लोग अच्छे अच्छे इनके लिए कमेंट करते हो, थोड़े और ज़्यादा किया करो। मेहरबानी आप। हाँ, और ये कि आपके सारे कमेंट महेश भाई भी पढ़ते रहते हैं हमेशा, और मैंने इनको बोला कि आप रिप्लाई भी कर दिए, रिप्लाई तो महेश भाई कर दिया करो, किसी किसी को करते हो वैसे भी। हाँ, लकी कोई होता है बंदा तो उसको कर दे, लेकिन ये कि कमेंट्स आपके पढ़ते रहते हैं अच्छे लगते आपके कमेंट। और सर के लिए आप बताइएगा कि उनसे उनका जो है उनका देख के उनसे मिल के मतलब एक तरह से मिल ही रहे हैं आप, ज़ाहिर है एक उसके YouTube के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू। अरे चंद, अरे चंद, अरे चंद, अरे
जरूरी है महेश भाई, ये क्या कर रहे हो? भूख लगी है बहुत। अजीका टिकटॉक दे ट्रेंडिंग वाले के यार, ये क्या कर रहे? भूख लगी। तो भाई देख सकते हैं आप, जैसे महेश भाई जो है मौका मिलते ही बस खाने पे लपक पड़ते हैं। और ये आप पापड़ देख सकते हैं, पापड़ तो जरूरी है भाई। असल में ये है पुलाव, सिंधी पुलाव। एक इंडिया यूट्यूबर है, उन टी शर्ट से प्रिंट कर रहा, बाकायदे मानो बतियो तो पापड़ ही प्यार जरूरी है। पापड़ भी जरूरी है। मैं भाई बैग उठाए, खैर तो है, गांव जा रहे हो क्या? नहीं, गांव से आ रहे हैं। वो देख बैठा दीजिए कि सिंधी कातरी है वो। ये वाले सिंधी गांव शिकार पर जो। वाह जा उस्ताद भाई। अरे आज पेट्रोल ये शायद इमरजेंसी में कमी लो। पानी क्यों भरते थे? ये पानी तो नहीं है, पानी भरिया, पेट्रोल आ रहा है।